हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉटलक रेसिपीज। हमने अपनी पिछली रेसिपी वीडियो में आप सबके साथ बहुत ही कम सामग्री से बनने वाले पनीर टोमेटिना की रेसिपी शेयर की थी। हमारी आज की रेसिपी एक बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार हो जाने वाली निरामिषी डिश है, जो राइस के साथ बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही हेल्दी भी। पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, इससे पॉटलक रेसिपीज की हर एक रेसिपी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में ले 1 से 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल अपने पसंद का। डालें 1 छोटा चम्मच सरसों, 2 से 3 बारीक कटे हरी मिर्चें, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 बड़े साइज का बीटरूट जार्डिनियर शेप में कटा हुआ, 1 से 2 हम बीटरूट को आलू से पहले डाल रहे हैं क्योंकि बीटरूट को पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। हम इसमें आलू तब डालेंगे जब बीटरूट 40 से 50% तक पक जाएगा। इसको 5-7 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर चलाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस चैनल पर हमारी अगली रेसिपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस प्रिजर्व की रेसिपी है, जिसको हमने फ्रेश फिग्स और टैंगरीन के साथ मिलाकर बनाया है। ये बहुत ही आसान है तैयार करना और इसको स्टोर करके काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 से 4 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे जार्डिनियर शेप में कटे हुए 2 मीडियम साइज के आलू। इस बात का ध्यान रहे कि आपने आलू को काटने के बाद उसको ठंडे पानी में धो लिया है, इससे इसका स्टार्च रिमूव हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रहे कि आपने बीटरूट और आलू को सेम शेप यानी कि जार्डिनियर शेप में ही काटा है। बीटरूट आलू फ्राई खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, स्पेशली राइस के साथ, और कुछ लोग इसको बेसिक दाल चावल के साथ भी खाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 से 3 गैस स्टोव को मध्यम आंच पर ही रखें। पांच से सात मिनट के लिए और पकने दें। पांच मिनट तक मध्यम आंच पर चलाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आखिर में इसमें डाले 2 भागों में कटा हुआ हरी मिर्च। एक बीटरूट के पीस को प्रेस करके चेक करें कि यह सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। चावल के साथ खाएं या फिर गर्मा गर्म सर्व करें दाल चावल के साथ। इस चैनल पर हमारी अगली रेसिपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस प्रिजर्व की रेसिपी है, जिसको हमने फ्रेश फिग्स और टैंगरीन के साथ मिलाकर बनाया है। ये बहुत ही आसान है तैयार करना और इसको स्टोर करके काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।